ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत रण स्वामी जी के साथ में आप सभी का अवस्थी से आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को 51वीं कार्य का सिखा रहे हैं जिसमें सांख्य के अनुसार अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं उनका वर्णन चल रहा है, तो सीखने के चलते गुरु जी की ओर। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग अभी इस 51वीं कारिका में पूर्व शब्द अध्ययन, दुख त्रय विघात, सुहृत प्राप्ति, दान, इन अष्ट सिद्धियों का विचार किया है। एक प्रकार से जिनका विवेचन आचार्य वाचस्पति मिश्र ने किया है, जिसमें उन्होंने जो प्रमुख तीन सिद्धियां हैं, आध्यात्मिक दुख विनाश, आधि भौतिक दुख विनाश, आधि दैविक दुख विनाश, इनका क्रमशः प्रमोद, मुदित और मोदमान, ये संज्ञा उन्होंने कहा, ये तीन वस्तु मुख्य माने जाते हैं। संप्रति आचार्य वाचस्पति मिश्र अन्य आचार्य इन पांच जो सिद्धियां, इनका विवेचन कुछ भिन्न रूप में करते हैं, तो उन मतांतरों का भी यहां विचार आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं। वो कहते हैं अन्य व्याचक्षते विना उपदेशादिना प्राग भवीय अभ्यासवशात् तत्व स्वयं ऊहनम यत् सा सिद्धि ही ऊहा। जैसा कि गीता में कहा गया है कि योगिनाम श्रीमतांगेह योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट व्यक्ति योगियों के यहाँ, श्रीमानों के यहाँ उत्पन्न होता है। तो ऐसा जो योगी है, विद्वान है, जिसने पूर्व जन्म में शास्त्र का अतिशय अभ्यास किया था, अब ये जो द्वितीय उसका जन्म हुआ है पूर्व जन्म के पश्चात, उसको उपदेश वगैरह कुछ हुआ नहीं है, किसी ने उसको उपदेश नहीं किया, किसी ने कुछ ने पढ़ा नहीं, पूर्व जन्म के अध्ययन के अभ्यास के अनुसार स्वतः उसको उस तत्व ज्ञान की ऊहा हो गई, स्वयं वो तर्कित कर लिया, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ऐसा ज्ञान हो सकता है, वैसा ज्ञान हो सकता है, इस तरह से स्वतः उसके अंदर जो वो ज्ञान उद्भूत हो रहा है उस सिद्धि को हम ऊह सिद्धि कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कथन है। और इसी प्रकार कहते हैं कि अब वही व्यक्ति है जिसने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया, साथ में सांख्य शास्त्र का भी अध्ययन किया है, वर्तमान में वह जो सांख्य शास्त्र है, शास्त्र सांख्य शास्त्र, जिसके सांख्य शास्त्र के पाठ के पाठ जो है, वो उस पाठ को किसी कोई दूसरा व्यक्ति उस पाठ को कर रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है, और यह व्यक्ति उसको सुन रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सांख्य शास्त्र का पाठ कर रहा है अथवा उसका अभ्यास कर रहा है, और यह जो व्यक्ति है वो उसको उसको सुन ले रहा है, और उसको सुनने से वो तत्व ज्ञान उसको पूर्व जन्म के अभ्यास के वसात उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सिद्धि जिस व्यक्ति को होती है उसको शब्द सिद्धि होती है, क्योंकि वो शब्द पाठ के अनंतर ही उसको वह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो वह शब्द नामक सिद्धि कहलाती है, ऐसा किसी का व्याख्यान है। और इसी प्रकार जो संपत्ति है, सुहृत संपत्ति के विषय में बता रहे हैं कि यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतः चाधीत्य ज्ञान उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का,
ऐसा कोई व्यक्ति है, यस शिष्याचार्य संबंध है, शिष्य के संबंध से अथवा आचार्य के संबंध से, सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतः चाधित्य, ग्रंथ से और अर्थ से जिसका अध्ययन करके जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस सिद्धि को हम अध्ययन हेतु, हेतु का सिद्धि कहते हैं, इसलिए उसको अध्ययन नामक सिद्धि कहलाई। इसी प्रकार सुहृत प्राप्ति का भी है, जिसका जो है अधिगतत्व, उस ज्ञान का जो संप्राप्ति है, वो अपने सुहृद अर्थात गुरु शिष्य और सुहृद को अपने सहाध्यायी को प्राप्त करके वह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी ज्ञान स्वरूपा जो सिद्धि है उसको सुहृद प्राप्ति नामक सिद्धि कहते हैं। और दान तो सिद्धि का हेतु है ही है, तो आप कैसे कहते हो कि दान सिद्धि का हेतु है? कह भाई ऐसा है, कोई विद्वान है, कोई आचार है, कोई योगी है, हमारे पास धन है, अनेक प्रकार की संपत्ति है, उस हम धन संपत्ति को बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ, उस योगी विद्वान को जो हम प्रदान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और वह प्रसन्न होता है, तो उस प्रसन्न होकर के वह ज्ञानी हमें अनेक प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त कराता है, हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो इसलिए उस ज्ञान के प्राप्ति व मुख्य हेतु क्या हुआ? हमारा धन हुआ, हमने उसको धन से उस विद्वान विशेष का, आचार्य विशेष का, संत विशेष का हमने सम्मान किया, उनका आदर किया, उनसे स्नेह पूर्वक श्रद्धा प्रकट की, और उस दान से, हमारे धन दान से, श्रद्धा दान से, सेवा दान से वह ज्ञानी हमको ज्ञान प्राप्त कराता है, तो वह जो सिद्धि है वो दान रूप सिद्धि कही जाती है। इस प्रकार युक्त अयुक्त रूप में विद्वानों के द्वारा जो ज्ञातव्य विषय है, उस विषय को जब हम ज्ञान करते हैं तो वो हमारे लिए भी, वो भी एक साधन हो सकता है। इस तरह से युक्तियों से भी हम इन विषयों को जानकार कर सकते हैं, परंतु इस विषय में अर्थात ऊह शब्द अध्ययन सुहृद प्राप्ति दान, इन चारों के विषय में जो विवेचन है पूर्व में भी किया गया है और अन्य के मत का विवेचन यहाँ भी किया गया है, तो अब इन दोनों प्रकार के विवेचनों में एक बात और समझने लोग बात आवश्यक है कि यहां पर जो है दुखत्र विघात की चर्चा नहीं की गई, तो इससे ये ज्ञात होता है कि दुखत्र विघात नामक जो सिद्धि है वो दोनों सिद्धांतों में एक ही समान है, इसलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस मत में उनका उल्लेख नहीं किया, किंतु ऊह का, शब्द का, अध्ययन का, सुहृद प्राप्ति का और दान का उल्लेख किया। तो इनकी व्याख्या पूर्व मत के अनुसार भी हुई है, ये परमत के अनुसार भी है, इन दोनों में कौन सा मत उचित है? तो वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि भाई देखिए हम इस पर अपनी राय नहीं दे सकते, असचा युक्तायुक्त सूरभि एव अवगंतव्ये, इसके युक्ति तत्व में जो विद्वान लोग हैं, जो संत लोग हैं, उन्हीं को इस विषय में निर्णय करना चाहिए कि ये युक्त संगत है, ये युक्त संगत नहीं। कहा क्यों? कहा भाई हम तो अध्येता है, अध्यायता को दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए, कृतम पर दोषो धावनेन न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तान, हम जो सिद्धांत मात्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हैं अध्येता लोग, इसलिए हमको किसी दूसरे को दोष को देख करके उसको सही गलत कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो संत लोग हैं, जिन्हों ज्ञानी हैं, जिन्होंने उस सिद्धांत को पूर्ण रूप से अवगत किया है, वो इस विषय में कोई ना कोई बात कह सकते हैं। इस प्रकार शुद्ध सिद्धि तुष्ट विपर्येण अशक्ति बुद्धि बधा सप्त दशधा द्रष्टव्य, इस प्रकार नव जो है ये आठ सिद्धियां हो गई और नौ तुष्टि हैं जिनका पूर्व विचन किया गया। तो सिद्धि और तुष्टि के विपर्य से अर्थात इसका जो वैपरीत्य है, तो वो जो अशक्ति बुद्धि बध है वो कितना हो जाता है? वो 17 हो जाता है, 8 और 9 17 हो जाता है। इसमें प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेया
इति प्रसिद्ध है। प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय सर्ग का तात्पर्य क्या हुआ, यह जो यह प्रत्यय का अर्थात जो सृष्टि की प्रक्रिया है, इनको जो परिणाम है, इनके जो चतुर्विध बुद्धि के विपरिणाम है, जो सिद्धियां हैं और सिद्धि के विघात जो ये विपर्य अशक्ति और तुष्टि है, तो ये हुआ आपका जो है विपर्य अशक्ति और तुष्टि। तो ये जो है ये इनका इनका ये जो है प्रसिद्धि है। अत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेया, प्रत्यय सर्ग में जो सिद्धि है उपादेय है उसका ग्रहण करना चाहिए, और जो तन निवारण हेतु वह विपर्य अतुष्टि हेतु वह है, और तन निवारण के जो हेतु हैं विपर्य अशक्ति तुष्टि, इनका जो है परित्याग करना चाहिए। इसी का मतलब सिद्धे है पूर्वों कुशास्त्रविधा। सिद्धि में जो पूर्व कथित जो है, पूर्व कथित कौन है, तो वह है आपके ये तीन है जिसके विषय में चर्चा हुई है, वह है आपका वो तीन है आपके जो पूर्व में है अर्थात विपर्य अशक्ति और तुष्टि। तो इन तीनों, ये तीन अंकुश है, इनका त्याग होना चाहिए। तो पूर्व विपर्य अशक्ति तुष्टया तुष्टि परामृशति, पूर्व से यहाँ पर विपर्य अशक्ति और तुष्टि का परामर्श होता है। ता सिद्ध करणी नाम अंकुश निवारत, वो सिद्ध करणी के ये तीनों अंकुश हैं, दोष है, इनका निवारण होना चाहिए। सिद्धि परिपंथित्वात, क्योंकि सिद्धि के ये शत्रु है विपर्या शक्ति और तुष्टि, अतः इनका जो है परित्याग करके और जो है जो ऊहादि हैं उनका ग्रहण करना चाहिए। अन्य जो सिद्धियां हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, अन्य तुष्टियों का ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस कारिका के व्याख्यान में पूर्ण जो है मतद्वय का उल्लेख करके और विद्वानों के मध्य में उस विषय को उनके विचार करने के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में इस कारिका की व्याख्या की, और ये भी मत मतांतर जो थे उन पर भी व्याख्या दी और सरल शब्दों में समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।